हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ आटे की मट्ठी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें पहले क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी आटा लिया हुआ है, कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक और तेल। तो पहले हम ये देखिए, ये हमने आटा ले लिया हुआ 3 कटोरी और सिर्फ बहुत ही हम इसे सिंपल वे में बनाएंगे। तो पहले हम लेते हैं जी अजवाइन, इसको थोड़ी सी हाथ में ऐसे क्रश करके रखते हैं। ऐसे थोड़ा सा क्रश करके इसे डाल दें। अब डालें थोड़ा सा नमक, नमक टेस्ट के। ये देखिए जी, ये मैंने अजवाइन इसमें डाल दी हुई है। अब इसमें मैंने नमक भी ऐड करना है। ये देखिए, ये नमक भी मैंने डाल दिया। इसे थोड़ा सा ऐसे हिला लें पहले। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें, भी थोड़ा सा क्रश कर लें ऐसे हाथ में। ये देखिए, ये आ गया इसमें कसूरी मेथी भी। अब इसमें हम ऑयल डालते हैं जी। ऑयल मैंने आधी कटोरी ली हुई है ताकि इसकी हम पहले अच्छे से बाइंडिंग कर ले इसकी। ये देखिए जी, बस ऐसे इसका हो जाए पूरा क्रम्बल जैसा हो जाए सारा, और ऐसे इकट्ठा हो जाए सारा ये आटा हाथ में। ये देखिए जी, ये ऐसा टेक्सचर इसका आना चाहिए। ये देखिए जी, ये देखिए, ये ऐसे इकट्ठा हो रहा है सारा, ऐसा टेक्सचर चाहिए हमें इसका। चलो जी, अब इसे हम गूंद लेते हैं पानी से, और पानी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला हो, ज़्यादा गर्म पानी हम इसमें ना यूज करें। और आटा हमें थोड़ा हार्ड ही इसमें रहने देना है। देखिए जी, और ये हेल्दी भी है। ये देखिए जी, एकदम से पानी ना डालें, बस हल्का हल्का कर में पानी डालें इसमें। ये देखिए, ये देखिए, इसे बस थोड़ा सा जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये हार्ड होना चाहिए। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये हमारा आटा अच्छे से भून चुका है। बस इसे हम हार्ड ही भून दें। अब इसे ऊपर थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दें ऐसे, और इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने देंगे। ये देखिए जी, ये 20 मिनट हो चुके हैं, ये हमने रेस्ट पे रखा हुआ था इसे। और ये देखिए जी, ये हो चुका है आटा। चलो जी, मट्ठी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी, ये हमने एक ऐसे बॉल बना लेना है। ये देखिए, अब साइज छोटा ले बड़ा ले, ये छोटा बड़ा जैसे कर सकते हैं करें, ठीक है। ये देखिए जी,
ऐसे इससे पहले इकट्ठा कर लें, जैसे हथेली पे ऐसे करें। ये देखिए, अब इसे फोक से ऐसे प्रिक कर लें। ये देखिए जी, ये देखिए, ये हमने बना ली एक। ऐसे हम मठियाँ बनाते जाते हैं। आप बेल के भी बना सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। ये देखिए ऐसे कर लें पहले, एक मैं आपको बेल के भी बता देती हूँ। ये देखिए साइज आप अपने हिसाब से रख लें, बड़े छोटे। ये देखें जी, ये देखिए इसे भी प्रिक कर लें। ये देखिए ये बड़ा साइज आ गया, और एक समोसा शेप में बना देते हैं। ये देखिए देखें जी, यहाँ पे मैंने ये मिक्सचर बनाया हुआ है। ये मैंने इसमें आटा और घी मिक्स करके ऐसे मिक्सचर बना ले, क्योंकि इसकी लेयर्स काफ़ी अच्छे से आती हैं। ये देखें इसे ऐसे कर ले, ये इसके ऊपर भी लगा ले, और ये इसे ऐसे कर ले। ये देखें जी, इसे भी ऐसे प्रेस कर ले, शेप इसकी थोड़ी सी ऐसे काट ले। ये देखिए कोई भी शेप आप दे सकते हैं। ये देखिए इसे भी प्रिक कर ले। ये देखिए बस आप ऐसे बनाते जाएं सारी। ये देखिए जी, ये यहाँ पे मैंने मठियाँ तैयार करके रख ली हुई हैं, तो चलो अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखिए ऐसे, ये ऑयल भी हमारा और ज़्यादा नहीं है, तो पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए ये ऑयल में हमने थोड़ा सा डाल के चेक किया था, ये फ्लोट करना शुरू हो गए हैं, तो हमें बस ऐसा ही ऑयल चलिए। ज़्यादा गर्म हम इसमें ज़्यादा गर्म में ना डालें, ऊपर से फिर पक जाएंगे, अंदर से कच्ची रहेंगी। तो ये देखें हमने चेक कर लिया है, या आप ऐसे भी हाथ रख के चेक कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। तो ये देखें जी, ये पहले हम ये वाली डाल रहे हैं। ये देखें अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप उसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिए, बस अभी इसे हमें हिलाना नहीं है जब तक ये पूरे ऊपर से पूरी पक जाएंगी। ये देखें जी, अब हमने इसे दूसरी साइड पर पलट दिया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए जी, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए बस अब हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने जो समोसे की शेप में बनाई थी इसका हमने मिक्सचर लगाया था, तो ये देखिए ये कैसे अलग अलग इसके लेयर्स आ गई हैं। ये देखिए जी, आप इसमें कलर के लिए आप हल्दी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, अगर आपको उसमें कलर चाहिए तो थोड़ा, या फूड कलर या हल्दी भी डाल सकते हैं आप, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं इसे। ये देखिए जी, ये होगी, ये देखिए
थोड़ा सेफली ही करें क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म है। ये देखें जी, अब ये भी हम डाल देते हैं। ये देखिए, बस गैस एकदम लो ही रखें। ये देखिए जी, उसे पलट ले से। ये देखिए जी, ये देखिए इतना अच्छा कलर आ गया इस पे भी, तो ये भी हमारी हो गई। अब हम डालते हैं ये वाली जो हमने थोड़ी बड़ी बनाई थी, ये इसमें दो दो चमचे। ये देखें जी, ये देखें सारी मठियां बनके तैयार हो गई है। ये देखें, ये बड़ी वाली जो हमने बनाई थी, ये छोटी वाली बनाई थी, ये देखें, ये देखें जी, ये छोटी वाली, और ये देखिए समोसा शेप में जो हम कितनी अच्छी लेयर्स आई है उसकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें।